राधे के बाद सलमान खान की ये होगी फिल्म। एक बार फिर से इंडियन कॉप्स के अवतार में आएंगे नजर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। सलमान खान की राधे फिल्म की शूटिंग आखिरी स्केड्यूल में चल रही है। यह फिल्म की शूटिंग फरवरी के एंड तक कम्प्लीट हो जाएगी और फिर सलमान खान अपने आने वाली फिल्मों में से एक और नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। हालांकि राधे के अलावा सलमान खान की एक ही फिल्म थी जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था और वो फिल्म थी कभी ईद कभी दिवाली, और वो फिल्म रिलीज होने वाली है अगले साल ईद पर। और कभी ईद कभी दिवाली फिल्म की शूटिंग होगी सितंबर महीने से, यानी कि अभी तक सलमान खान के पास 6 से 7 महीने हैं जिसमें वो एक और फिल्म कर सकते हैं। और वो फिल्म कौन सी होगी वो हम आपको इस न्यूज में बताएंगे। तो बता दें कि सलमान खान एक बार फिर से कॉप के अवतार में नजर आएंगे। ये फिल्मों में सलमान खान सिख पुलिसमैन बनेंगे जो नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े गैंगस्टर का पीछा करते हुए नजर आएंगे, और ये फिल्म एक पुलिस गैंगस्टर रहने वाली है। फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये फिल्म से जुड़ी काफी अपडेट सामने आई है। यह फिल्म में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा भी नजर आने वाले हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में लव यात्री फिल्म से डेब्यू किया था। फिल्म में सलमान खान सिख पुलिसमैन और आयुष शर्मा गैंगस्टर का किरदार निभाएंगे। और ये फिल्म में सलमान खान पूरे सिख के अवतार में नजर आएंगे, जय सर पे पगड़ी और बियर्ड लुक में दिखेंगे। बता दी कि आखिरी बार सलमान खान सिख के अवतार में 2008 में रिलीज हुई फिल्म हीरोइस में नजर आए थे, और उनके साथ वो फिल्म में थी प्रीति जिंता। और एक बार फिर से सलमान खान अपने आने वाली पुलिस गैंगस्टर फिल्म में सिख के अवतार में दिखेंगे। फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं अभिराज मीनावाला, और उसी डायरेक्टर ने आयुष शर्मा की लव यात्री फिल्म को भी डायरेक्शन दिया था। फिल्म की शूटिंग शुरू होगी मई महीने में और फिल्म रैप अप हो जाएगी सितंबर महीने में, और फिर शुरू होगी कभी ईद कभी दिवाली। तो फ्रेंड्स, ये थी सलमान खान की आने वाली फिल्म। आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर, वह हमें कमेंट करें। आज के समय में यंग जनरेशन में सबसे बेस्ट एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ माने जाते हैं। जब टाइगर श्रॉफ ने उनकी प्रीवियस फिल्मों में ऐसे ऐसे एक्शन किए हैं कि ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि यंग जनरेशन में सबसे बेस्ट एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ है। बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था हीरोपंती फिल्म से, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट हुई थी। हीरोपंती फिल्म के बाद टाइगर श्रॉफ ने बागी, बागी 2, वॉर जैसी बड़ी बड़ी फिल्में की है, और ये सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर रही थी। और एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ बागी 3 को लेकर आ रहे हैं, और बागी 3 का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि आपने टाइगर श्रॉफ ने कैसे कैसे एक्शन किए है। लेकिन हाल ही में टाइगर श्रॉफ से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जब टाइगर श्रॉफ बागी 3 के बाद अब हीरोपंती 2 में धमाल मचाने वाले है। बता दें कि पिंक विला की रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी 3 के बाद टाइगर श्रॉफ रैम्बो फिल्म की रिमेक में काम करने वाले थे, जिसको डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद देने वाले हैं। लेकिन ये फिल्म को एक बार फिर से डिले किया गया है, और अब टाइगर श्रॉफ ने डिसाइड किया है कि वो फिर से एक बार साजिद नडियादवाला की फिल्म करेंगे, और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि हीरोपंती की सिक्वल होगी। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में डेब्यू हीरोपंती फिल्म से किया था, और ये फिल्म नडियादवाला ग्रैंडसन के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी, और ये फिल्म को दर्शक ने काफी पसंद भी किया था। और इसलिए साजिद नडियादवाला ने डिसाइड किया है कि हीरोपंती की भी सीक्वल बनाई जाए, और हीरोपंती की सीक्वल में भी लीड रोल में टाइगर श्रॉफ ही रहने वाले हैं। इसके अलावा बता दें कि हीरोपंती को डायरेक्शन दिया था शब्बीर खान ने, लेकिन हीरोपंती 2 को अहमद खान डायरेक्शन देने वाले है, क्योंकि अहमद खान ने टाइगर श्रॉफ की बैक टू बैक 3 फिल्में डायरेक्ट की है, और इसलिए प्रोडक्शन हाउस टाइगर श्रॉफ और अहमद खान की जोड़ी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। अगर टाइगर श्रॉफ बाकी थी के बाद हीरोपंती 2 फिल्म करते हैं, तो टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहने वाला है, क्योंकि हीरोपंती 2 में एक्शन के साथ साथ रोमांस, कॉमेडी और बहुत अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आपकी इस पर क्या राय, कि टाइगर श्रॉफ को हीरोपंती 2 करनी चाहिए कि नहीं, वो हमें कमेंट करें। और ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।